इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस आप लोगों का आशीर्वाद अच्छे हैं बहुत। आदाब हकीम साहब। आदाब, स्वागत आपका। जय हिंद। बस एक आपने स्किन के लिए काली मिर्च, नमक, जैतून और ये गोंद चिलगोजा, एक आइटम और भी बताई थी, चार आइटम बताई थी आपने, शायद गिलोय बताई थी या गोंद कोई और बताया था आपने। स्किन में क्या निखार के लिए, पिंपल्स के लिए, जैसे सोराइसिस हो या स्किन में कुछ अच्छा ताने हो जाते हैं ना, स्किन डिजीज, ठीक है, इसके लिए तो किस तरह से लिया जाए इसको? क्योंकि मैं जब सुन रहा था, रिकॉर्डिंग ही सुन रही थी मैंने, बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग में बताया था आपने ये। ठीक है सर जी। हाँ देखिए, उसका जो अहम है वो तो है नमक, जैतून और खाने का सोडा, ये तो पानी में मिलाना है। अब किसी को ग्लोय का पानी, ऐसे दो ढाई इंच की ग्लोय जो है वो पानी में उबालकर ये पानी पिलाते हैं और नमक जैतून मिलाकर उसमें एक एक या दो दो चुटकी पिला देते हैं, तो इससे स्किन को फ़ायदा होता है। किसी को इसके साथ में अलसी भी देते हैं आधा चम्मच, हल्की भुनी हुई पाउडर के रूप में, तो किसी को इससे फ़ायदा होता है। किसी को काली मिर्च का पाउडर दो चुटकी देते हैं इन सब के साथ में, इन सब दवाओं के साथ में काली मिर्च का पाउडर दो दो चुटकी दो बार देते हैं, तो इससे भी फ़ायदा होता है। किसी को किसी नुस्खे से फ़ायदा होता है, किसी नुस्खे से नहीं। तो एक एक करके सबसे पहले तो नमक जैतून लीजिए पानी मिलाकर अलसी के साथ, इससे फ़ायदा नहीं हो तो पानी में ग्लोय को उबालकर उसमें नमक जैतून डालकर अलसी के साथ लीजिए, उससे भी फ़ायदा नहीं हो तो ये नुस्खा बढ़ाते जाते हैं। फिर तो फिर काली मिर्च दो दो चुटकी इसके साथ में लेते हैं, लेकिन स्किन डिजीज़ को फ़ायदा थोड़ा देर में होता है जी।